Students, good morning. Today we will begin another chapter, unit 10 from your English second. Okay, that is about adjectives, degrees of comparison. Okay, हमने adjective पढ़ा and today we will see degrees of comparison. That is degrees of comparison means जब हम जैसे positive को हम क्या करते हैं उसको क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, कोई भी एडजेक्टिव को हम कंपेयर करते हैं तो उसको थ्री भाग में बांटते हैं, सच एज पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. दिस आर इन थ्री डिग्रीज. ओके, लेट अस सी इन दिस. ओके, लुक एट दिस पिक्चर्स, ये तीनों पिक्चर को देखो. ओके, अजय, विजय एंड राजेश. ओके, हियर वी नोटिस दैट अजय इज टॉल. ओके, अजय इज टॉल एंड सेकेंड विजय इज टॉलर देन अजय. ओके, विजय इज, विजय कौन है, सेकेंड पर्सन. ओके, दैट इज टॉलर देन अजय, अजय से ऊंचा है. ओके, लंबा है, राइट. देन थर्ड वन राजेश इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, राजेश जो थर्ड पर्सन है वो तीनों में से ऊंचा है, लंबा है, टॉल है. ओके, सी हियर, here the words tall, taller and tallest are adjectives. Okay, these are adjectives, tall, taller and tallest. Okay, here this is positive, comparative and superlative. Okay, tall positive hai, taller comparative hai and tallest is the superlative adjective. Okay students, they are the different forms of the adjective. Okay, tall ka different form hai, jaise tall, taller, tallest. Okay, good, better, best bolte hai na hum. See here, they are the different forms of the adjective tall. Okay, ye jo teen adjective form of tall hai, theek hai, tall, taller, tallest. Okay, here we use tall when we don't compare Ajay with anyone. Okay, Ajay को, Ajay जो positive है, okay, उसको हम किसी से compare नहीं करते हैं, तो इसे tall कहते हैं. Ajay is tall. Okay, we compare with the others, then we say taller than Ajay. Okay, Vijay is taller than Ajay, we say. Okay, see here. Example, Ajay is tall. Okay, Ajay is tall. And here, Vijay is taller than Ajay. Okay, Vijay is taller than Ajay. We could see here, Vijay is taller than Ajay. And the third person, Rajesh is tallest one. Okay, see here, Rajesh is the tallest of the three. Sabse tall hai kaun? Rajesh. So, this is superlative adjective. Okay. See next page, next 44 page. Okay, this is in three parts we divide. Okay, positive degree, comparative degree and superlative degree. See here, the positive degrees are an adjective is used when no comparison is made. Okay, किसी के साथ जब हम compare नहीं करते हैं तब हम पॉजिटिव डिग्री मानते हैं. सी वीना इज यंग. ओके, यंग पॉजिटिव डिग्री है. अगर हम किसी के साथ इसे कंपेयर करेंगे, जैसे वीना इज यंगर देन शीना. ओके, तो क्या हो गया यहाँ पर, कंपेरेटिव एडजेक्टिव. ओके, एंड थर्ड में सुपरलेटिव में क्या होगा, वीना इज द यंगेस्ट ऑफ द फैमिली. ओके, वीना सबसे छोटी, यंगेस्ट. ओके, सो सुपरलेटिव इज विल बी द यंगेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, हियर सी वीना इज यंग एंड द सेकेंड द ग्रीन बॉक्स इज लार्ज. ओके, लार्ज आपको पता है, बड़ा. ओके, हियर नोटिस दैट देयर, हियर वी आर नॉट कंपेयरिंग वीना.
ओके, वीना को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, विथ एनी अदर पर्सन और द बॉक्स, ये बॉक्स विथ एनी अदर बॉक्स, ओके, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इसको हम किसी के साथ कंपेयर नहीं किया है यहाँ पर, ओके. And see here, this degree is used when we talk about one person or thing only. सिर्फ एक ही चीज के बारे में बोलते हैं तब हम क्या करते हैं, किसी के साथ कंपेयर नहीं करते हैं. ठीक है, see, this degree is used when we talk about one person, एक ही व्यक्ति के बारे में जब हम बोलते हैं तो हम ऐसे राइट करते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री. एंड द सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री. यहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री में वन पर्सन और थिंग के लिए करते हैं, ठीक है. एंड कंपैरेटिव डिग्री, दैट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स. ओके, जब हम टू पर्सन्स, दो व्यक्ति को कंपेयर करते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं. सी, यहाँ पर हमने देखा था यंग, दैट इज द पॉजिटिव डिग्री. ओके, किसी के साथ यहाँ पर हमने कंपेयर नहीं किया है. बट हियर जूही इज यंगर देन रीना. ओके, जूही इज यंगर देन रीना. यहाँ पर रीना के लिए कंपैरिजन किया गया है कि जूही रीना से छोटी है. ओके, जूही इज यंगर देन रीना. ओके, तो यहाँ पर वी कुड सी द टू पर्सन्स, जूही एंड रीना. ओके, तो कंपैरिजन हो गया यहाँ पर कंपैरेटिव. ओके, The red box is large than the green box. Okay, यहाँ पर red box है और एक क्या है, green box है. So there are two things. So in two things are there, in one sentence there is comparison, comparative degree. Okay, we need to understand it. See here, this degree is used with two persons or things or two groups of people or things. Okay, दो चीज़ों का बीच, दो चीज़ों के लिए कंपेयर किया जाता है, ठीक है, या तो व्यक्ति हो या तो कोई थिंग हो या तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री. दो के बीच में कंपैरिशन होता है, ठीक है. एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री. दैट इज द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पर्सन्स और द थिंग्स. ओके, यहाँ पर पहले में किसी के साथ कंपेयर नहीं किया था, सेकेंड में दो के बीच में कंपैरिशन चले थे, कंपैरेटिव डिग्री. एंड थर्ड में यहाँ पर क्या है, मोर देन टू पर्सन्स. ओके, दो के बीच में नहीं परंतु दो से अधिक लोगों के बीच में कंपेयर होता है, वो क्या कहलाता है, सुपरलेटिव डिग्री. सी, नीता इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल हर सिस्टर. ओके, नीता इज द यंगेस्ट, सबसे छोटी है, अपनी बहनों में सबसे छोटी है. ओके, कौन, नीता. ओके, सो दिस इज आई टोल्ड जस्ट बिफोर, टू पर्सन्स और टू ग्रुप ऑफ पर्सन्स. ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑल हर सिस्टर्स, मतलब ये ग्रुप में आ गया ना, तो ये क्या है, नीता इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द सिस्टर्स. ओके, हियर सेकेंड ऑप्शन, द ब्लैक बॉक्स इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द बॉक्सेस इन द ग्रुप. ओके, यहाँ पर क्या, ऑल द बॉक्सेस के साथ कंपेयर किया गया है, हियर ऑल हर सिस्टर्स से कंपेयर किया गया है, सुपरलेटिव. ओके, दैट इज The degrees is used when more than two persons or things
और मोर देन टू ग्रुप्स ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कंपेयर्ड. ओके, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री. फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री. पॉजिटिव में सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है, वन पर्सन और थिंग. टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग. एंड कंपेरेटिव में क्या है, इज यूज बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स और ग्रुप ऑफ पीपल्स. ओके, दो के बीच में कंपेयर किया जाता है, ठीक है. एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज विथ मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स और मोर देन टू ग्रुप्स पर्सन्स और थिंग्स. ओके, फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. सी हियर, रिमेंबर पॉजिटिव डिग्री व्हेन देयर इज नो कंपैरिशन, किसी के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, ठीक है. जैसे नीतू इज गुड गर्ल, यहाँ पर क्या हो गया, नीतू के लिए ही बोला गया है, ठीक है. नीतू इज अ गुड गर्ल. एंड वेर एज कंपेरेटिव, वहाँ पर क्या है, दो व्यक्तियों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में हम कंपेयर करते हैं. व्हेन कंपैरिशन इज बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स. ओके, एंड सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज व्हेन कंपैरिशन इज डन बिटवीन मोर देन टू ओके, टू पर्सन्स थिंग्स और टू ग्रुप्स. ओके, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. सी the formation of the comparative and superlative degrees, kaise banate hain hum dekho. In case of most adjectives we add er. okay, adjective mein zyadatar hum kya add karte hain, er and est to the positive degree. okay, positive degree pe hum kya add karte hain, er and est. यहाँ पर हमने देखा ना कि सॉरी, हियर वी सो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. फर्स्ट में हमने कुछ ऐड नहीं किया, सेकंड में er ऐड किया एंड सुपरलेटिव में est. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. ओके, हियर दैट इज सेड अबाउट. ओके, हियर पॉजिटिव, इन केस ऑफ मोस्ट एडजेक्टिव वी ऐड ई आर एंड ई एस टी टू द पॉजिटिव डिग्री फ्रॉम द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज रिस्पेक्टिवली. सी नियर, ये पॉजिटिव डिग्री है, नियर और यंग. ओके, कंपेरेटिव में हम क्या डाल देते हैं, ई आर. ओके, नियर, यंगर. एंड सुपरलेटिव में ई एस टी डालते हैं, ठीक है. वी ऐड ई एस टी, देन इट बिकम्स द सुपरलेटिव डिग्री. ओके, फर्स्ट में हम पॉजिटिव में कुछ नहीं डालते हैं, ओनली एडजेक्टिव. ओके, देन सेकेंड में ई आर डालते हैं एंड कंपेयर करते हैं कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, एंड सी इन केस ऑफ एडजेक्टिव एंडिंग इन ई वी एड आर. ओके, जैसे कोई भी एडजेक्टिव ई से एंड होता है तो हमें उस पर सिर्फ आर लगानी है एंड एस टी लगानी है. ओके, ई से एंड होता है तो हमें क्या लगाना है, आर लगानी है. पहले हम क्या ई आर लगाते थे, बट जो एडजेक्टिव ई से एंड हो रहा है तो हमें सिर्फ क्या लगानी है, आर लगानी है, ठीक है, आर सिर्फ लगानी होगी. एंड सुपरलेटिव में ओनली एस टी डालना होगा. ओके, वी शुड नॉट पुट ई, बट we will put only st. okay, when it the adjective ends with e, then we add only st. okay, to form comparative degree and superlative. okay students, hope clear, try to understand. okay, have a good day, bye.